तो हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था द केरला स्टोरी फाइल्स पर। तो केरला स्टोरी फाइल्स के बारे में मैं बताया था। तो केरला स्टोरी फाइल्स सिर्फ फिल्म है, ये काल्पनिक फिल्म है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ ये फिल्म मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आइए आपको इस फिल्म के डिटेल के बारे में जानें, क्योंकि हमारे देश के कानून, हमारे देश के जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वह काफ़ी इस तरह की घटनाओं पर नज़र रखती है। तो ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, सिर्फ ये फिल्म है और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। मतलब पुलिस ने बाकायदा इस घटना को इंकार किया है, और जो भी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहा है, डायरेक्टर हो या जो भी एक्टर हो, आदर्श शर्मा हो या जो भी इनका डायरेक्टर है, उनका कहना भी है कि उन लोग को बोलने के अंदाज से पता चल जा रहा है कि ये फिल्म में जो भी दिखाया जाएगा आपको सिर्फ काल्पनिक माना जाएगा, ना कि कोई फैक्ट है। आपको अगर मन है तो फिल्म देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, लेकिन किसी जातिवाद पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं कि इस जाति का ये, इसका ये व्यवहार है, क्योंकि फिल्म जो भी बनी है बिल्कुल काल्पनिक फिल्म बनी है। इसमें ना ही कोई भी सीन आपको फैक्ट दिखाया गया है। बस फिल्म और डायरेक्टर को चाहिए कि फिल्म का कैसे हाइप क्रिएट हो, जिसके लेकर वो प्रोपेगेंडा अपने फिल्म को प्रमोशन के लिए ये हाइप बना दिया कि 32,000 लड़कियां इंडिया से गायब हो गई है। एक सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि ISI आतंकवादी संगठन में टोटल 40,000 ही वर्कर काम करते हैं, यानी उस संगठन में टोटल 40,000 है। अगर आप ही बताइए, अगर 32,000 इंडिया से सिर्फ ओनली महिलाएं वहां पर गई हुई थी, तो बाकी 101 देश है का वहां से 10,000 लोग काम करते हैं, सिर्फ इंडिया के लोग हैं। और ये आंकड़ा हमारे रॉ एजेंट ने निकाला है कि सिर्फ 36 इंडियन है जो ISI से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, और उन पर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है। ये फिल्म सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है और अपनी प्रमोशन का एक चाल चल रही है। तो फिल्म आप लोग देखें, लेकिन आप किसी धर्म का या किसी भी जाति का इस फिल्म से ना जोड़ें। फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है और फिल्म सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से ही आप देख सकते हैं।